session. I'm Neel Vira. I'm from Andheri. I have a clinic, Lotus Health and Education Center. I am practicing in this field since 10 years. I'm teaching acupressure, acupuncture, many other things. I'm treating people. And apart from that, I have done MA in Yoga Shastra. So I'm taking yoga classes also. Now today's topic is something different, mudras. So, aap log Hindi, English? What comfortable? What happened? Abhi? Comfortable with English? Yes? Okay. Let's see. What is mudra? Mudra, kya hai? So, hum jab baithte hain, to ye baithne ke liye bhi koi particular posture mein baithe hain ki nahi? Position, that's what. Aaj hum baithe hain, we are sitting. So, हमारे बैठने में भी कोई पर्टिकुलर पोजीशन है कि नहीं कि सबकी बैठने की स्टाइल भी अलग अलग होती है ना कोई दो पैर मार के बैठता है कोई एक पैर के ऊपर एक पैर करके बैठता है तो ये भी क्या है हमारी बॉडी किसी ना किसी एंगल को एक्सेप्ट करती है ये भी क्या हो गई मुद्रा व्हाट आर योग आसनास हम जब योगा करते हैं या फिर हम किसी भी प्रकार की कोई एक्सरसाइज करते हैं वो भी क्या है किसी प्रकार की मुद्रा है पोजीशन है कोई मुद्रा है कोई ना कोई एंगल हम कर रहे हैं वो करने से बेनिफिट क्या है करेक्ट सो हर एक मुद्रा किसी ना किसी चीज को हमारी बॉडी के अंदर इम्पैक्ट करती है कोई ना कोई मुद्रा हमारी बॉडी के लिए या तो प्लस है या माइनस है किसी ना किसी तरह हमें उससे हेल्प होती है मैं राइट है ना चलिए देखते हैं हाँ मोस्ट पोस्टर्स हमारे पोस्टर्स ठीक होते हैं हमारे बॉडी के अंदर की अलग अलग चीज़ें गतिविधियाँ ब्लड सर्कुलेशन नर्व सर्कुलेशन एवरीथिंग कम्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना अच्छा इसके अलावा ये सारी चीज़ें को कंट्रोल कौन करता है हम कंट्रोल कर सकते हैं पक्का 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 कर सकते हैं हम कंट्रोल चलो कोशिश करें कितनी देर आँख बंद रख सकते हैं हमारे कंट्रोल में है ना वो स्लीपिंग तो एक अलग इश्यू हो गया पूरा एक अलग चैप्टर ही हो गया हमारे कंट्रोल में कितनी चीज़ें हैं हाउ मेनी थिंग्स वी कैन कंट्रोल चलिए देखते हैं आपका हार्ट आपके कंट्रोल में है रेडियल आर्टरी को टच करिए देखिए आपका हार्ट धड़क रहा है कि नहीं अब देखो सी सबसे पहले तो अगर मैं रेडियल आर्टरी बोलूं तो जिसको पता है रेडियल आर्टरी क्या है वो डायरेक्टली टच करेगा और अगर नहीं पता है तो अरे क्या पूछ लिया किस क्या करना है क्या नहीं करना है कंफ्यूजन सफरिंग कब आता है जब हमें कोई चीज़ नहीं पता है जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं वहाँ से क्या शुरू हो जाती है हमारी सफरिंग शुरू हो जाती है ना अच्छा करेक्ट करेक्ट वो बाहर नहीं आ सकती चीज़ें सही है ना तो आज अगर मैं ये कहूँ कि आपका दिल धड़क रहा है या नहीं सिर्फ इसको देखिए देख सकते हो आपका हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं हार्ट भी तो अपनी मुद्रा कर रहा है ना हार्ट भी क्या कर रहा है मुद्रा हार्ट की खुद की एक मुद्रा है उसको एक ही काम दिया गया है और वो काम वो खुद से ही चला रहा है तो इसकी भी ये क्या हो गई है खुद की एक मुद्रा हो गई है कि नहीं इसी तरह ब्रीदिंग क्या है किसकी मुद्रा है लंग्स फॉर ब्रीदिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल लंग्स नोज इज ओनली सपोर्टिव ऑर्गन है ना मेन कौन है लंग्स तो लंग्स की मुद्रा क्या हो गई इन एंड आउट उसका क्या करता है वो सांस लेता है सांस छोड़ता है ये उसकी खुद की एक मुद्रा है ना ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में है नो रोक सकते हैं ना लेकिन फॉर सम एक्सटेंट लेवल वी कैन कंट्रोल
है ना, मतलब हमारे बॉडी की चीजें भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, है क्या? ये बॉडी तो हमारा है ना, ये बॉडी हमारा है, तो इस बॉडी के अंदर की चीजें हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है? कहाँ है नेचर? तो इस बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? डिप्लोमेटिक आंसर, कौन कौन कंट्रोल कर रहा है? सो मेनी थिंग्स. ओके, कोई ये कहता है कि इस बॉडी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, कर रहा है, तो वो ब्रेन भी आपके कंट्रोल में है क्या? फंक्शंस, मतलब इन शॉर्ट अगर हम ये देखने जाए, ये बॉडी हमारा है, इसके ऑर्गन्स भी हमारे हैं, इसके अंदर जितनी फंक्शंस हो रहे हैं ये भी हमारे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. कर सकते हैं क्या? वी कैन नॉट कंट्रोल. बॉडी क्या कर रही है? डिफरेंट मुद्रास, डिफरेंट टाइमिंग्स, एवरीथिंग. हु इज डूइंग? बॉडी. हर एक समय पे अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करना नहीं करना हमारे हाथ में नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि कोई तो है ना, कोई तो है जो हमारे से ज़्यादा पावरफुल है, जो एनर्जी हमसे ज़्यादा पावरफुल है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है कि नहीं? सो दैट वी कॉल्ड इट एज ओरिजिन. देर इज सम ओरिजिन हु इज कंट्रोलिंग अवर बॉडी, है ना. अच्छा, आज हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं, हमारा फेस भी क्या कर रहा है? अलग अलग टाइप की मुद्राएं दे रहा है कि नहीं दे रहा है? लिप्स, आईज, हर एक चीज अपनी अपनी एक मुद्रा परफॉर्म कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? कहाँ से आ रही है ये? अंदर से. अच्छा, अगर इमोशंस हमारे कंट्रोल में है, तो जब हैप्पीनेस में हम लोग बहुत हंस रहे हैं, तो फियर को क्यों एंजॉय नहीं कर सकते हम? बैड. व्हाट इज बैड? व्हाट इज दिस वर्ड बैड? व्हाट इज दिस बैड? तो हैप्पीनेस क्या? वी एंजॉय. That means there is something which we can enjoy and there is something which we cannot enjoy. लेकिन वो तो emotion ही है ना? Laughing, joy, fear, each and everything, they are emotions. मतलब हम हमारे emotions पे भी control नहीं कर सकते. That means emotions are also not us. वो भी हमारे नहीं है. तो फिर हमारा क्या है? हमारा खुद का क्या है? अगर हमारा कुछ नहीं है, तो फिर suffering क्यों है? Suffering क्यों है? अगर ये body हमारी नहीं है, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स भी हमारे नहीं हैं, बॉडी से जुड़े हुए इमोशंस भी हमारे नहीं हैं, तो फिर सफरिंग कहाँ से आया? मन की भी तो सफरिंग है ना. आज फियर क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए, मुझे डर लग रहा है मैं यहाँ नहीं जा सकता, मुझको बहुत स्ट्रेस आ गया है, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है. ये क्या? ये बॉडी से नहीं है? कनेक्शन तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है. आज लोग कहते हैं कि मुझे जैसे स्ट्रेस होता है मेरे शोल्डर दर्द करने लगते हैं, मुझे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है मेरे घुटने दर्द करने लगते हैं. पेशेंट तो ऐसे ही आते हैं हमारे पास. तो अगर वो कनेक्शन नहीं है, तो फिर स्ट्रेस का कनेक्शन घुटने से क्यों होता है? वो तो आप हायर लेवल पे पहुंच जाता पाएगा कि ये बॉडी हमारी नहीं है. मैं यही कह रही हूँ, आज हम जब एक लो लेवल पे, जब हम खड़े हैं इस जगह पे, हम ये सोचते हैं कि ये बॉडी तो मेरा है, जब ये मन मेरा है, बॉडी के ऑर्गन्स मेरे हैं, तो फिर उसको हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? और अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, तभी क्या आ रही है? सफरिंग, इलनेस, ये सब कहाँ से आ रही है? जब हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब जाके हमारे के पास क्या आ रही है? सफरिंग आ रही है. मैं आज के टॉपिक में इस सफरिंग को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ. सफरिंग आज अगर हमारे बॉडी को रिलेट करके सफरिंग आ रही है, तो उस सफरिंग को हम कम कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या उस चीज़ के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं हमारी बॉडी के? हम्म,
हम वही तो देख रहे हैं, वो भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है। सो थिंग इज कि अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उस चीज़ को हम लेवल पे ला कैसे लगते हैं? हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम हमारी बॉडी के सफरिंग लेवल से बाहर आ सके? वन ऑप्शन। लेकिन आज अगर पूरा दिन काम करने वाला आदमी है, उसको सवेरे 9 बजे निकलना है ऑफिस के लिए और रात को वो 10 बजे के पहले आता नहीं है, तो वो एक्सरसाइज कब करेगा? When? See, this is like we are just smiling here, but we need to see the truth. आज हम जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम ये देखते हैं, पेशेंट कहता है भाई मुझे ये टाइम पे निकलना है, आप अगर मुझे ये बोलोगे कि भाई योगा सेशन पे जा, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय कहाँ है, क्या नहीं है, देन हमें कोई ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है जो वो बाकी के समय में भी कर सकता है, जिसके लिए उसको जगह की ज़रूरत नहीं है। सेंसर्स, अच्छा, लेकिन मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया तो ये कौन से सेंसर्स पे लगता है? कान से जो गया वो माइंड को अफेक्ट करता है। कान से जो गया वो माइंड को अफेक्ट करता है। माइंड कहाँ है हमारा? आज तक तो हम तो ब्रेन पे बात कर रहे थे, माइंड तो है ही नहीं हमारे पास। कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो, कितनी लाइफ है हमारी, क्या क्या लाइफ हम जी रहे हैं, व्हाट लाइफ वी आर जी, वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू विच 4 लाइफ्स इम्पॉर्टेंट। वी हैव सोशल लाइफ, डू वी हैव सोशल लाइफ, वी हैव फैमिली लाइफ, दैट कम्स इन सोशल। सोशल में सब आ जाता है, फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, रिलेशन भी आ जाता है, मतलब यहाँ पे भी ध्यान देना है, यहाँ पे एवरीथिंग कम्स अंडर सोशल। वी कैन से स्पिरिचुअल लाइफ, और क्या छूट गया? सब आ गया यार, लोग आ गए, फैमिली आ गई, स्पिरिचुअल जर्नी भी आ गई, पर्सनल सेल्फ, हम सेल्फ को ही भूल जाते हैं, सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ है ना। तो 4 लाइफ है हमारे पास, ये 4 लाइफ में सफरिंग है कि नहीं है? आज सेल्फ लाइफ में भी सफरिंग है, सोशल लाइफ में भी सफरिंग है, फैमिली लाइफ में भी सफरिंग है, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी सफरिंग है। कोई एक बंदा ये 4 लाइफ एक साथ जी नहीं सकेगा, नहीं जी सकता है। क्यों? क्योंकि उसको सब जगह देखना है, उसको फैमिली को भी संभालना है, उसको जॉब को भी संभालना है, अब जॉब के फ्रेंड्स को भी संभालना है, तो वो एक साथ कितनी लाइफ जिएगा? कोई ना कोई एक लाइफ तो छूटती है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि नहीं होती है? आज जब ये कॉम्प्रोमाइज़ का सेक्शन आ जाता है, वहीं से क्या शुरू हो जाती है? सफरिंग। हाउसवाइफ, पहले इतना इतना काम कर रही थी, शादी के बाद काम बंद हो गया, अब मुझे सिर्फ घर का ध्यान देना पड़ता है, क्या हो गया? सेल्फ लाइफ सफर हो गया कि नहीं? कि मैं तो वो कर सकती थी लेकिन मेरा वो छूट गया। कोई स्टूडेंट है, मुझे तो ये सीखना था लेकिन पैसे नहीं हुए तो मैं ये सीख रहा हूँ, तो उसके दिमाग में क्या छूट गया? अभी भी उसका मन कहाँ अटका हुआ है? वहाँ अटका हुआ है, सफरिंग। और यही सफरिंग अंदर 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 चलते 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 क्या डेवलप कर रही है हमारे बॉडी के अंदर? डिजीज। यही सफरिंग क्या डेवलप करती है? डिजीज। अब इस डिजीज से बाहर कैसे आना है, यही सबसे बड़ा हमारा आज का रोल है। हाउ टू कम आउट ऑफ अवर सफरिंग्स, हाउ टू टैकल अवर डिजीजेस। ओके, लेट्स सी। या यस 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 ओके, ठीक है। आज आपके पास कोई पेशेंट आएगा, वो कहता है मुझे एक्सेसिव स्वेटिंग है, डॉक्टर के पास जाके आए, डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है, एक्सेसिव स्वेटिंग का कोई ऐसा पर्टिकुलर इलाज नहीं है, देन नाउ व्हाट? देयर इज नो इलाज, टैबलेट वैबलेट नहीं होता एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए। वो बोलेगा ये तो नॉर्मल है, एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए एक्चुअल में ऐसा कोई इलाज नहीं है, बट वी हैव नो क्लू
कि एक्सेसिव स्वेटिंग एक्चुअली इज बिकॉज ऑफ अवर मेंटल स्ट्रेस. कहीं ना कहीं कोई एक ग्रंथि हमारी ऐसी जुड़ी हुई है या कोई एक सफरिंग ऐसी जुड़ी हुई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है. हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनको हमने सिर्फ ये स्माइल मुद्रा से क्लियर किया है, ओनली बाय गिविंग सम काइंड ऑफ मुद्रास. जैसे हम अभी अभी शुरुआत में ही बोल रहे थे, वी हैव सम मुद्रास इन सिटिंग. चलने में मुद्रा है, फॉर वॉक ऑल्सो डू वी हैव एनी मुद्रा? क्या है, चलो देखते हैं क्या है. पॉज, पॉज फर्स्ट क्या है, पॉज या वॉकिंग में कितने स्टेजेस है? फर्स्ट है पॉज, पॉज के बाद क्या होता है? यस, सो आई एम लिफ्टिंग माय लेग नाउ. लिफ्टिंग वन लेग और यही लेग फिर आगे जा रहा है नाउ. सेकंड लिफ्टिंग सेकंड लेग नाउ. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, वॉकिंग. सो लिफ्टिंग अनदर लेग, फाइनली कितने स्टेजेस हैं? फोर स्टेजेस. कितनी लाइफ थी? फोर लाइफ थी. लिप की कितनी मुद्राएं हैं? लिप की कितनी मुद्राएं हैं? एनी आइडिया? पॉज है, पॉज. कोई शांत रहता है मेडिटेशन में, अलग अलग टाइप के मेडिटेशन होते हैं ना, पॉज है ना. फिर समटाइम्स वी आर लाफिंग, देन समटाइम वी आर स्माइलिंग. What is different between laugh and smile? Correct. And then finally, kissing. Do we have some mudra in kissing also? These are the, how many stages again? Four. Why I am showing you again and again four, 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 four? और स्माइल में आवाज नहीं होती. स्माइल क्या है? काम, रिलैक्स्ड. दिस इज द मेन डिफरेंस इन स्माइल एंड लाफ. ओपन लाफिंग है ना. बिग बैंग थियोरी याद है किसी को? बहुत सालों पहले स्कूल में सुना था कि पृथ्वी कैसे बनी थी, वो बिग बैंग थियोरी से कहीं से तो बनी थी. एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं सिर्फ बिग बैंग थियोरी का. ये फोर स्टेजेस क्या है उनको समझने के लिए, लेट्स सी व्हाट आर दिस फोर स्टेजेस. क्या हुआ था बिग बैंग थियरी में? तारामंडल में कहीं पे दो तारामंडल का विस्फोट, देयर वाज अ बैंग बिटवीन अवकाश है ना. सो ये लाइन जो मैंने बनाई है, इसके ऊपर आसमान है और ये जहां हम रहते हैं. सो दिस आई कैन से एज अ जीरो वर्ल्ड एंड दिस इज रियल वर्ल्ड, राइट. नाउ दिस बिटवीन जीरो वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड, जीरो वर्ल्ड में कोई भी एनर्जी है क्या? वहाँ पे शोर शराबा आवाज एनीथिंग कुछ भी है? इट्स वेरी काम. वहाँ पे ना तो कोई एनर्जी है, ना ही कोई इतना शोर है, कुछ भी नहीं है. तो ये जो शांत एनर्जी है, इसको हम एक नाम देते हैं, न्यूटो एनर्जी. न्यूटो शांत. न्यूटो का स्वभाव कैसा था? शांत. फिर वहाँ पे एक दिन विस्फोट होता है. विस्फोट कैसा है? विस्फोट कैसा होता है? हमेशा बूम एक्सपांड. सो वहाँ से उस विस्फोट से जो एनर्जी बाहर आती है, इस एनर्जी को हम कहते हैं हेट्रो एनर्जी. कई वर्षों तक यही स्टेज रहा. वहाँ पे क्या थी? हवा थी, अग्नि थी, गर्म था. उसको ठंडा करने के लिए कई सालों के बाद वो क्या स्वरूप आया? पानी स्वरूप आया, जिसको हम कहते हैं होमो. होमो. सो ये दोनों भी कैसे हैं? इक्वल है.
लेकिन अपोजिट है, एक कहता है हवा तो एक कहता है पानी। एंड फाइनली अब इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक और फोर्स आता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या था? सॉलिड फेस। एक सॉलिड फेस जिसको हम क्या कहते हैं? अर्थ। आज उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ। अच्छा, किसी भी ग्रह पे आज कहीं पे भी बस्ती नहीं है, देयर इज नो लाइफ है क्या कहीं पे भी? हम अभी तक साइंस जितना जानती है, अकॉर्डिंग टू साइंस ओनली अर्थ हैज द लाइफ, ओनली अर्थ। व्हाई? बिकॉज इट पास्ड थ्रू दिस फोर फोर्सेस, उसको चारों फोर्स मिले थे। न्यूट्रल फोर्स जब उसमें आया तब क्या आया? लाइफ आया, है ना। अब इन चारों को कंट्रोल कौन कर रहा था? अगर ये आज रियल वर्ल्ड में यहाँ प्रेजेंट है तो इस रियल वर्ल्ड में आने के लिए यहाँ ऊपर कोई तो था ना जो इन सबको कंट्रोल कर रहा था। व्हाट इज दैट? ओरिजिन। वी आर नॉट गोइंग इनटू एनी रिलीजन और समथिंग, वी आर जस्ट सिंपली सेइंग ओरिजिन स्माइल। आज हम लोग ने शुरुआत में ही कहा था कि हमारी बॉडी हमारी नहीं है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई अलग अलग फोर्स है। देयर इज सम स्ट्रांग फोर्स विच इज कंट्रोलिंग आवर बॉडी, विच इज कंट्रोलिंग आवर इमोशंस। हम लोग क्या है? सिर्फ पपेट है, कठपुतली है हम तो सिर्फ। हमको कंट्रोल करने वाला कोई और फोर्स है ना? विल कॉल दिस फोर्स एज अ ओरिजिन फोर्स, है ना। कितने फोर स्टेजेस थे यहाँ पे? चार स्टेजेस। वही यहाँ पे भी हमने कितने स्टेजेस देखे? ये लिप के स्टेजेस थे फोर। ये हमारे लाइफ के स्टेजेस हैं अगेन फोर। ये हमारे वॉकिंग के स्टेजेस हैं फोर। एवरीवेयर वी हैव फोर फोर्सेस। आज हम अगर हमारे प्रथा भी देखते हैं तो कंधा देने के लिए भी कितने जन चाहिए? एक घर खड़ा करने के लिए कितनी दीवारें चाहिए? फोर पिलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज कहाँ पे आके अटकती है? फोर, समथिंग इज फोर। फिर अब हमारी उंगलियां कितनी है? हाउ मेनी फिंगर्स वी हैव? फिंगर्स ऑल्सो फोर। थम तो अलग ही है ना, थम तो अलग ही है, चार फिंगर्स। सारी कहानी कहाँ के अटक गई? फोर में। अब यही फोर फोर्सेस, यही चार उंगलियां क्या दे रही है हमें? आज हमारा कोई भी काम हो कौन कंप्लीट करता है? लेकिन ये चारों फिंगर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? कैन यू राइट विदाउट अ थंब? कैन यू डू एनी वर्क विदाउट द थंब? ऑपरेट योर मोबाइल विदाउट थंब? नो। चार फिंगर्स हमारे चार फोर्सेस हैं, तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? ओरिजिन। आज यही चीज जो हम यहाँ देख रहे हैं इस बोर्ड के ऊपर, हमारे हाथ में भी मौजूद है कि नहीं है? यहाँ पर भी है। जो भी करना है हमें कहाँ करना है? सिर्फ यहाँ, दैट्स इट। सो थंब एंड फोर फिंगर्स एज फोर फोर्सेस। अच्छा अब बताओ मुझे, डिजीज कितने प्रकार के हैं? फोर, करेक्ट। सो फाइनली रीचिंग टू फोर। ओके, कौन से चार डिजीज होंगे हमारे? कौन से चार प्रकार होंगे डिजीज के? सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से हमें सफरिंग्स आती हैं, तो सबसे पहला क्या है हमारा? मन। मन से डिजीज आती है कि नहीं आती है? आती है। देन फूड, तन भी आएगा डेफिनेटली। फूड, फूड से प्रॉब्लम्स आती है कि नहीं? आप जंक फूड खाओ या आपको एलर्जी है ऐसे भी फूड खाओ तो भी आपको डिजीज होती है कि नहीं? टाइम पे नहीं खाना भी डिजीज लाती है, ओवर ईटिंग भी डिजीज लाती है। किससे कनेक्टेड है? फूड। देन तन, तन मीन्स व्हाट? पोस्चर्स। आज मैं टेढ़ा मेढ़ा बैठू और फिर मैं कंप्लेन करूँ कि भाई मेरी तो कमर में दर्द रहता है, नॉट वर्थी। ऑफकोर्स यू नीड एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी, बिना एक्सरसाइज के कोई चीज आपको नहीं मिलती है। तो पोस्चर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। हमारा बॉडी इन तीनों चीजों को मानता है। आखिर क्या रह गया लास्ट में? नो, मनी इज अगेन माइंड।
अंकल ने बोला था एक चीज, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्रिएट्स डिजीजेस, एवरीथिंग एवरीथिंग। एनवायरमेंट में जितनी चीजें प्रेजेंट है वो हर एक चीज हमें अफेक्ट कर रही है कि नहीं? एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीथिंग इज कनेक्टिंग इन एनवायरमेंट विच इज एक्चुअली गिविंग डिजीज टू आवर बॉडी। सो दीज आर द मेन फोर फोर्सेस विच आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द डिजीज, राइट? अब इन चारों को हमें उंगलियों में बिठाना है, मुद्रा तक पहुँचना है ना। तो मुद्रा तक पहुँचने के लिए पहले ये तो पता आना चाहिए कि भाई फिंगर कैसे सिलेक्ट करोगे, कहाँ से करोगे मुद्रा, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। किसके कनेक्ट करोगे? ओरिजिन से। ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया, आपका मुद्रा बन गया। बना कि नहीं बना? टेल मी, अब कैसे बिठाएंगे इन फिंगर्स पे? कैसे? अब वी हैव दिस फोर मेन बेसिस, दिस फोर चीज थिंग्स वी हैव टू सेटल इन आवर फिंगर्स। सो विच फिंगर इज रिलेटेड टू व्हाट दैट वी हैव टू सी, कौन सी फिंगर हमारे इस कौन से डिजीज से रिलेट करती है वही हमें देखना है। कुछ। तो सबसे पहले तो मुझे ये चार चीजों को यहाँ बिठाना पड़ेगा ना। एनवायरनमेंट कैसा है, क्या लगता है? भड़कीला है, शांत है, न्यूट्रल है, या इसका अपोजिट? क्या लगता है एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहले किन चीजों पे डिपेंडेंट? वेदर। वेदर में नॉइस है? वेदर में एक्टिविटी है? कैन यू फील इट? कैन यू फील द वेदर? दैट इज द सेंसेशन। आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आपकी ब्रीदिंग आपको फील होती है? जब तक आप एक्चुअली वो काम स्टेज पे जाके ना करो तब तक नहीं होती ना, हमें फील नहीं होती। आप रेगुलरली ब्रीदिंग कर रहे हो, फील होती है कि आपको? वो तो आपको उसके लिए स्पेशली मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, तब पता चलेगा हाँ मेरी सांस अंदर जा रही है, आई एम ब्रीदिंग आउट। टिल दैट यू डोंट अंडरस्टैंड इवन कैसा है एनवायरनमेंट, यू कैनॉट फील। वो सिर्फ आता है जाता है, चेंज होता रहता है, यू कैनॉट फील इट। जिस चीज़ को आप फील नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, वो कैसी एनर्जी हो गई? शांत एनर्जी हो गई। सो दिस इज योर न्यूट्रल एनर्जी। What about mind? भागता रहता है। इसको क्या देखा था हमने? वही देखा था ना, भड़क के बाहर आया था। माइंड शांत नहीं है, भागना है यहाँ वहाँ कहाँ कैसे कैसे, ये क्या हो गया? हेट्रो एनर्जी। इसका अपोजिट फूड। पोस्चर तो माइंड का अपोजिट नहीं है, माइंड का अपोजिट कौन हो सकता है? फूड। दिस इज होमो एनर्जी। बचा क्या? बैलेंसिंग। आपकी बॉडी को बैलेंस कौन करता है? पोस्चर्स। सो दिस इज योर न्यूट्रो एनर्जी। अब हमें ये चार फोर्सेस देखने हैं कि हमारे फिंगर में कहाँ पर है। करेक्ट। उसके अंदर भी आएंगे ना, ये तो सब ब्रांचेस हो गए उसके, पॉजिटिव नेगेटिव तो उसके सब ब्रांचेस हो गए। सब ब्रांचेस। मेन नाम क्या है? माइंड है। फिर माइंड के अंदर इमोशन, मेंटल्स, रीजंस, बहुत सारी चीजें अंदर 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 बनती है, वो उसके सब ब्रांचेस हो गए, वो उसके अंदर 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 की चीजें हो गई। सेम हर एक चीज में है, अंदर अंदर सब ब्रांचेस तो अंदर अंदर है ही, बहुत सारी ब्रांचेस है ना। चलो चार फिंगर्स निकालो बाहर। This is you. What are you doing? What is this? Mind. What are you doing? हम हमेशा कैसा करते हैं? हेट्रो कैसा दिख रहा है?
ऐसा दिख रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो ये क्या हो गई हमारी माइंड की फिंगर हो गई, है ना। अब बराबर इसकी अपोजिट फिंगर कौन सी है, देखो आपके फिंगर्स में, चारों फिंगर्स में देखो, बराबर इसकी अपोजिट फिंगर कौन सी है, क्यों अब सेम दिखनी चाहिए ना, थर्ड वन सिमिलर, सो दिस इज योर फूड, इक्वल एंड अपोजिट, हेट्रो एंड होमो कैसे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये फिंगर कैसी है हमारी, ये पूरे हाथ में कौन से फिंगर बैलेंसिंग है, पोस्चर मिडल फिंगर, पूरे हाथ में बैलेंसिंग है ना, पूरे हाथ में, सो दिस इज व्हाट योर पोस्चर, बचा कौन, एनवायरमेंट, दिस इज रिलेटेड विद एनवायरमेंट, और ये कौन है, ओरिजिन, ओरिजिन, सो हम हमारे एक छोटे से फेस तक तो पहुंच गए, माइंड क्या है, कौन से फिंगर से रिलेट करता है, बचा क्या, मुद्रा तो बनानी है ना, आज का जो टॉपिक है वही तो है हमारा, क्या टॉपिक है, मुद्राएं, हम कैसे मुद्रास बनाते हैं, हम आज तक सुनते आ रहे हैं ज्ञान मुद्रा होती है, कुछ ये मुद्रा होती है, कुछ वो मुद्रा होती है, फिक्स मुद्राएं सुनी है ना आज तक, दैट इज नॉट मुद्रा, दैट इज नॉट मुद्रा, दैट इज क्रिया, दैट इज आर, ओके, सो हम क्या देख रहे हैं, मुद्राएं सुनी है, बुक में से पढ़ते हैं, अच्छा मुझे ये तकलीफ हुई है, चलो कौन सी मुद्रा, अच्छा ये मुद्रा करनी है, बैठ गया, मुद्रा बनी कैसे, वो हम मुझे कितनी काम आ रही है, मैं उसको परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं, हमें नहीं पता, हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं, यस यस यस, हम अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे अटके हुए हैं, आज उस चीज़ को खोलना है, जस्ट ट्राई टू ओपन योर माइंड, हमें कैसे मुद्रा बनानी है, कैसे उसको पकड़ना है, क्या सेंस होना चाहिए उसके पीछे, आज तक हम लोग ने फिक्स मुद्राएं देखी है, मैं आपको उस फिक्स मुद्रा से हटाकर कहीं और लेके आना चाहती हूँ, कम हियर, मैं फिक्स मुद्रा से आपको बाहर ला रही हूँ और कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाना चाहती हूँ, कुछ अलग, करेक्ट, लेट्स सी कैसे बन रही है, अगर मुझे समझो मेरे माइंड से डिप्रेशन है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरा मूड बहुत सैड है, क्या हो गया, मेरा सेल्फ लाइफ कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आज मुझे क्या करना है, मेरे सेल्फ लाइफ को आगे लाना है, बाहर लाना है, क्या करूँगी, ब्रीदिंग किसके साथ, नाउ कम टू मुद्रास, ब्रीदिंग तो सिर्फ आप आपके बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन अभी भी हम हमारे माइंड तक तो पहुँचे ही नहीं है ना, आज हम हमारे माइंड तक पहुँचना चाहते हैं, कैसे पहुँचेंगे, मुद्रा किसके साथ, ओरिजिन के साथ, उसको कनेक्ट करो, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर तो उसके पास है ना, ही इज विद द हाईएस्ट पावर, कैन कंट्रोल योर माइंड, कैन कंट्रोल योर बॉडी, तो आज हमें उसके पास पहुंचना है, उसके पास पहुंचना है, कैसे पहुंच रहे हैं हम, फिंगर्स से, ये कंट्रोल करता है, हम कहते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, यही क्यों कहते हैं, इसे क्यों नहीं कहते बेस्ट ऑफ लक, क्यों, क्योंकि हमारा लक तो उसको काम नहीं आने वाला है ना, हमारा लक तो उसको काम नहीं आने वाला है ना, सामने वाले को, उसको कौन काम आ रहा है, एनर्जी काम आएगी उसको, जो भी काम करना है उसमें एनर्जी काम आएगी, हम बेस्ट ऑफ लक क्यों बोल रहे हैं, ताकि वो एनर्जी उसको सपोर्ट करे, सो हम किसके थ्रू बोल रहे हैं, ओरिजिन स्माइल हेल्प हिम, इसके साथ रहना, आज उसको इसकी ज़रूरत है, सो व्हाट इज दिस, बेस्ट ऑफ लक क्या है, हम जो भी हमारी लाइफ में कर रहे हैं पहले से ही मुद्राएं करते आ रहे हैं, सिर्फ हमें ये नहीं पता कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें पता है कि हम ऐसे ही क्यों करते हैं, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसे ही क्यों करते हैं, हम क्यों कोई और फिंगर्स यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमारी बॉडी पहले से ही मुद्राओं को फॉलो कर रही है, सिर्फ हमें नहीं पता है कि ये मुद्रा या ये पर्टिकुलर फिंगर हमने क्यों सिलेक्ट की है, या हम इसी के थ्रू क्यों कर रहे हैं, है ना, अब कैसे कनेक्ट करेंगे माइंड को, मुझे ओरिजिन स्माइल के साथ कनेक्ट करना है, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, करा, ओके, आप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, चलो कोई मुझे ऐसे दिखा रहा है, कोई मुझे ऐसे दिखा रहा है, कनेक्शंस, दिस आर कनेक्शंस है ना, हम इसी कनेक्शंस को थोड़ा और बेटर वे पे लेके जाते हैं, लिटिल बिट मोर गुड, लिटिल बिट बेटर, सो हम ये जो टिप दिख रहा है, टिप, टिप ऑफ द थंब, यस, टिप ऑफ द थंब एंड टिप ऑफ द फर्स्ट फिंगर, एग्जैक्टली, बोथ द टिप्स,
Let's join them. Both the tips together. Can you? See? Can you see a proper touch, proper round? आज तक हम लोग ज्ञान मुद्रा कर रहे थे लेकिन उस ज्ञान मुद्रा को इतना परफेक्टली कभी किया? हम सिर्फ ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, किसी और तरीके से पकड़ लेते हैं, हर एक की पकड़ने के स्टाइल अलग है. आज कहीं परफेक्शन की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे. परफेक्ट टिप टच, एंड वो भी कैसे, प्रेशर नहीं देना, नो प्रेशर, जस्ट अ फेदर टच, फेदर टच, वेरी रिलैक्स्ड. मुद्राएं बहुत अलग अलग तरीकों से की जा सकती है, इन अ डिफरेंट डिफरेंट मैनर, डिफरेंट डिफरेंट वे. सोने के कितने तरीके हैं? कोई सीधा सोता है, कोई टेढ़ा सोता है, कोई ऐसे सोता है, कोई ऐसे सोता है. मुद्राएं है ना, वो इफेक्ट तो बात की बात है, लेकिन जब आप सोते हो तब आपको पता है आप कैसे सोते हो, इफेक्ट तो हो रहा है, चलो जो भी हो रहा है बॉडी पे. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वो मुद्रा में आ रही है कि नहीं आ रही है, किसी स्टाइल पे आ रही है कि नहीं आ रही है, किसी परफेक्शन पे आ रही है कि नहीं आ रही है. आज वही परफेक्शन हम यहाँ लाते हैं. जब हम मुद्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी उसी तरह अलग अलग डायरेक्शन होंगे कि नहीं होंगे. आज तक हम लोग ने सिर्फ ये सुना है कि मुद्रा ऐसे ही करी जाती है ऊपर. मैं कहती हूँ मुद्राओं के भी डायरेक्शंस होते हैं, मुद्राओं के भी डायरेक्शंस होते हैं. मुद्रा स्काई डायरेक्शन में भी की जाती है, मुद्रा अर्थ डायरेक्शन में भी की जाती है, मुद्रा साइडवेज भी की जाती है. इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या आता है उसको जज करते हैं. चलिए दोनों हाथ ऐसे करिए, ऐसे करिए, सिर्फ सांस पे ध्यान दीजिए और देखिए कि बॉडी में सांस कहाँ तक जा रही है आपकी. चेक करो कहाँ तक जा रही है ब्रीदिंग. जा रही है वहां तक? चलो अब उल्टा करो हाथ, अब करो. क्या हुआ जब ऐसे रखा था? कहां तक था? बॉडी में दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा चेस्ट, एक होता है हमारा एब्डोमेन. दो भाग होते हैं. जब ऊपर रखा तब ब्रीदिंग कहाँ तक जा रही थी? जैसे ही नीचे किया तो कहाँ तक जा रही थी? चेक प्रॉपरली, चेक 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 अगेन, आई एम सेइंग चेक चेक. ऐसे रखा, सिर्फ छाती में है या चेस्ट तक है? और जैसे ही हाथ उल्टे किए कहाँ तक है? जैसे ही हम हाथ सीधा रखते हैं ब्रीदिंग चेस्ट तक आती है, और जैसे ही हम हाथ उल्टा करते हैं ब्रीदिंग एब्डोमेन पेट तक जाती है. इसका मतलब ये है सिर्फ हमारे हाथ का डायरेक्शन चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है? हमारा ब्रीदिंग चेंज हो रहा है, चेस्ट तक आती है, और जैसे ही उल्टा किया वो नीचे पेट तक जाती है. सिर्फ हाथ का डायरेक्शन इतना भी चेंज किया हमने तो हमारी ब्रीदिंग की पैटर्न चेंज हो गई. इसी तरह से जब हम मुद्राएं करते हैं परफेक्शन, या तो हम स्काई डायरेक्शन में करेंगे या हम अर्थ डायरेक्शन में करते हैं, इससे भी बॉडी के ऊपर कई अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं. बहुत सारे चेंजेस इसमें दिखाई देते हैं. यही चीज़ हमें यहाँ ओरिजिन स्माइल मुद्राज में सीखना है. ये क्या करती है? हमारी हीलिंग करती है, बॉडी की हीलिंग करती है. मैं वो नहीं कह रही हूँ अंकल, नो आई एम नॉट सेइंग कि अगर नीचे टच किया तो मुद्रा का मूल कम होता है. मैं ये कह रही हूँ हर मुद्रा का स्टाइल अलग अलग है. अभी मैंने यहाँ नीचे भी अगर टच किया है लेकिन अगर मेरा हाथ स्काई डायरेक्शन में है तो इफेक्ट बॉडी में अलग हुआ? यही चीज़ मैंने उल्टा कर दिया तो भी इफेक्ट अलग हुआ? अच्छा ये जो आप मुझे पूछ रहे हो ये तो और एडवांस एडवांस है, आगे जाके इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. करता है तो उसका इफेक्ट बराबर होता है, इसका और इफेक्ट है तो
कम करने का है तो यू हैव टू बेस ये फिंगर से कौन सी एनर्जी कनेक्टेड है? अगर समझो अभी तक ये तो मैंने बताया, ये तो बहुत बात की बात है, अभी तक आपने जो भी सीखा होगा उसमें ये फिंगर से आपने कुछ अलग सीखा है ना? इट्स नॉट लाइक दैट. इफ यू गो विथ फाइव एलिमेंट्स थियरी देयर इज समथिंग एल्स आल्सो. देयर आर मेनी थिंग्स कनेक्टेड विथ फिंगर्स. ओके, सो दिस इज जस्ट स्मॉल बेसिक थिंग दैट आई एम टीचिंग यू. इसके अंदर सीखने के लिए इतना वास्ट टॉपिक है. इट्स रियली लवली टॉपिक टू लर्न. इट्स रियल लवली टॉपिक टू लर्न. इट्स ओनली हाउ टू यूज मुद्रास, वेन टू परफॉर्म दिस, वेन टू परफॉर्म दिस, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. फिलहाल आप लोगों को ज़्यादा डीप नहीं पता है, इसके अंदर का कुछ ज़्यादा नहीं पता है. एटलीस्ट यहाँ से आप फिंगर्स सिलेक्ट कर सकते हो कि नहीं? अगर फूड की वजह से, आज कल रात को मैंने कुछ खाया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आज मैं फूड की फिंगर सिलेक्ट कर सकती हूँ? टच इट, ऊपर रखो, ऑब्जर्व करो ब्रीदिंग के साथ. अगर अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, टर्न इट. कल मैं बहुत भाग भाग के गया था, अब आज मुझे तो ये पूरा पैर दर्द हो रहा है. पोस्चर, भागना क्या हो गया? पोस्चर था, ठीक से नहीं किया, पोस्चर फिंगर टच कर ली. आज मेरा माइंड बहुत सैड है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, माइंड फिंगर टच कर ली. बस कल वेदर चेंज हुआ ना, तब से मुझे इतना खांसी शुरू हो गया है कि पूछो मत. एनवायरनमेंट फिंगर टच कर ली. वी कैन एज प्राइमरी, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्राइमरी. आज हम प्राइमरी डिजीज को यहाँ से टैकल कर सकते कि नहीं? एक छोटी छोटी डिजीज, एक प्राइमरी डिजीज हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं. इसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है, बट एटलीस्ट हम यहाँ से कुछ शुरुआत आज कर सकते हैं, इसमें कुछ हम देख सकते हैं. हाँ जी, हाँ हाँ, वही तो बता रही हूँ. ये अर्थ स्काई एनर्जी है, ये अर्थ एनर्जी. इसमें प्लस माइनस या नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा नहीं होता. एनर्जी हमेशा खुद को कंप्लीट करती है. एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, बारिश हो रही है ना, ये बारिश हो रही है तो ऊपर वाला जहाँ से बारिश हो रही है वहाँ पे क्या कोठा है कि सिर्फ पानी आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा? नो, एनर्जी ऑलवेज गोज बैक. यहाँ से स्टीम होके भी तो पानी रिटर्न जा रहा है, तभी तो वापस बारिश आ रही है ना. दैट मीन्स एनर्जी इज कम्प्लीटिंग. एनर्जी हमेशा सर्कल कंप्लीट करती है. यस, सो कभी स्काई एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें, कभी हमें अर्थ एनर्जी की भी ज़रूरत होती है. सिर्फ सिलेक्शन हमें करना है कि हमें स्काई एनर्जी से लेना है या हमें अर्थ एनर्जी. यस, यही यही मैं चीज़ बता रही हूँ. हमारे सिर्फ हमारी उंगलियों से वी कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हियर. आज ये लेक्चर लेने का मेरा मेन पर्पस ये था कि हम कुछ शुरुआत कर सके, कि आज तक हम लोग कहीं फिक्स मुद्रास पे हैं, इस फिक्स मुद्रा से हटके कुछ नई मुद्रास भी हम सीख सकते हैं जो हमारे बॉडी से कनेक्टेड है. आज हमारे माइंड को सिर्फ मैंने लिखा है, लेकिन माइंड के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है? ओवर एक्साइटमेंट लेवल भी तो है या ओवर सैडनेस भी तो है. तो इन सबको भी अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसको कैसे इन फिंगर्स से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसमें आगे जा सकते हैं, वो सीखने के लिए आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू फॉर द कॉन्फ्रेंस. हम लोग का कॉन्फ्रेंस है फेब्रुआरी में, वन डे का. उस कॉन्फ्रेंस में आप आइए. डॉक्टर पंकज जैन, जिन्होंने ये मुद्राओं का इन्वेंशन किया है, डॉक्टर पंकज जैन ये पूरा कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं. और ये मुद्राओं का फाउंडिंग, जिसने सबसे पहले इन मुद्राओं के बारे में बताया, वो है प्रोफेसर पार्क जे वू, जिन्होंने सुजोक फाउंड किया है. और वही सुजोक की ये मुद्राएं हैं जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे. ये जो मैंने आज आपको हेट्रो होमो ये बताया, ये क्या था? ये ट्राय ओरिजिन बेस है, प्रोफेसर पार्क जे वू ने ये बेस दिया हुआ है. सो 10th February भाईंदर में कॉन्फ्रेंस है, ज़रूर आइए, कुछ नया और उसमें आगे सीख के जाइए.
Yes, 1400 इसका फीस है, you need to pay 1400 for that.